ऑफिशियल एग्जामिनेशन अपडेट फॉर 21-22। अपडेट ये है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा साइन है काफ़ी सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए कि आगे उनके एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने वाले हैं उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सारी ही चीज़ों को इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। उसके पहले ओवर है, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। सारे ही एग्जामिनेशन की रेगुलर अपडेट लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करने वाले हैं, जो कि आपका है 30th of March का, मीन्स कल का नोटिफिकेशन है। देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या पूरा पैटर्न मेंशन कर रखा है। परीक्षा समिति जो है वो 24 तारीख को बैठी गई थी और इसी समिति के अनुसार कुछ यहाँ पर फाइनल जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि नोटिस जो आया था 24 तारीख को वो ये था कि एज सून एज पॉसिबल उनको अगस्त के टाइम पर जो नए सेशंस हैं वो कैसे भी करके चालू करवाने हैं। तो उसी चीज़ को लेकर एग्जामिनेशन के ऊपर पूरा अपडेट उन्होंने दिया है। सत्र 2022 और 23 को नियमित करने के क्रम में परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सभी सेमेस्टर एवं NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी कोर्स हैं उसमें आता है आपका BA BSc BCom प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर। अभी आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन चल रहा है, बात हो रही है सेकंड सेमेस्टर, और उनकी परीक्षाओं को बहुविकल्पीय यहां पर कर दिया गया है। OMR शीट पर आपके मई और जुलाई 2022 में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है जहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बारे में प्रॉपरली बता दिया गया है कि मई और जुलाई में आपके एग्जाम होंगे BA BSc BCom वालों के, और जो पेपर हैं वो MCQ बेस्ड होंगे। आपका पूरा ही पेपर OMR पर आपको देना पड़ेगा। देखते हैं क्या है पैटर्न। सम सेमेस्टर के यहाँ पर जितने भी कोर्सेज उनके सभी के यहाँ पर MCQ बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आप मंथ याद रखेंगे, मई और जून में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। ये पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थियों को 35 क्वेश्चंस को हल करना होगा। मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और करने आपको 35 रहेंगे अटेम्प्ट। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के केवल और केवल 4 ही विकल्प होंगे। एक क्वेश्चन है और उसके 4 यहाँ पर ऑप्शंस होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे। सभी के जो क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो सेम होंगे और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं की जाएगी। प्रॉपर पैटर्न का यहाँ पर मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 2 में। आपका यहाँ पर समय भी बता दिया गया है कि 2 घंटे का जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा, मतलब 120 मिनट। नंबर 4 आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यह दिया हुआ है कि 50 में से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपका लाइन से ऊपर से लेकर नीचे तक में 35 क्वेश्चंस का ही सोल्यूशन आपका चेक किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है। क्यों है? क्योंकि आपको अभी से इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपके एग्जामिनेशन मई और जून में होंगे। आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो MCQ बेस्ड होंगे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले जितने भी कोर्सेज हैं BA BSc BCom उनके लिए बहुविकल्पीय पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 35 आपको करने रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अभी से आप अपनी सारी ही प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का हमारा जो टेलीग्राम है वो ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ज्वाइन करिए। सारी ही न्यूज़ एंड ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल और वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर बता देते हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड बाय बाय।